Dear students, let us explain concept of electrolysis in detail. Electrolysis क्या है जैसे मैंने आपको बताया. Electrolysis एक process है जिसमें हम electrolyte को decompose करते हैं by passing electric current through its aqueous solution or its molten state. यानी कि जो electrolyte है उसके aqueous solution में से या उसके molten state में से हम current pass करके उसको डिकम्पोज करते हैं. सो दैट फिनोमिना इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस. सो प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट्स एक्वस सॉल्यूशन और फ्यूज्ड फॉर्म दैट इज मॉल्टन स्टेट. इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन क्या है? हमने कहा कि हम इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू करंट पास करते हैं. इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स आर दो सब्सटेंसेस विच अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आइदर इन देयर मॉल्टन स्टेट और थ्रू देयर एक्वस सोल्यूशन एंड इट सेल्फ गेट डिकम्पोज. जैसे सोडियम क्लोराइड NaOH2SO4. जो मेटालिक कंडक्टर हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में बेसिक डिफरेंस यही है कि जो मेटालिक कंडक्टर हैं दे डोंट गेट डिकम्पोज. मोर ओवर दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. उनको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कहते हैं. जबकि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर हैं दे कैरी करंट बाई मूवमेंट ऑफ आयंस एंड इट सेल्फ गेट डिकम्पोज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना. बाकी आपको पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट. जो फुली आयनाइज होगा वो स्ट्रॉन्ग, जो कम आयनाइज होगा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट. अब प्रोसेस क्या है? प्रोसेस मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी अंडरस्टैंड करवाया था. प्रोसेस में क्या है, हमें एक इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक चाहिए होता है विच इज आइदर मेड अप ऑफ ग्लास और सम अदर नॉन कंडक्टिंग मटीरियल. इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रोलाइट लेना होता है. इलेक्ट्रोलाइट इज आइदर इन एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म, या तो ये एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म में होगा बच्चे, या फिर मॉल्टन स्टेट में. क्योंकि सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रोलाइट के आयंस मूवमेंट नहीं कर सकते. सो दैट इज वाई वी नीड एक्वस सॉल्यूशन और मॉल्टन स्टेट. ठीक है, दो हमें इलेक्ट्रोड चाहिए होती हैं कंडक्टिंग मटीरियल की. जैसे मेटल है तो टू इलेक्ट्रोड. वन इलेक्ट्रोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, सो इट इज कॉल्ड कैथोड. द अदर इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, दैट इज कॉल्ड एनोड. अब आ गया इसका मैकेनिज्म. मैकेनिज्म एक्सप्लेन करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस का बाय आयोनाइजेशन थ्योरी. आयोनाइजेशन थ्योरी कहती है कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो आयोनाइज हुआ होता है इन द एक्वस सॉल्यूशन स्टेट और इन द मॉल्टन स्टेट. आयोनाइज हुआ होता है. जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो क्या होता है, इनके जो आयंस हैं दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड. इलेक्ट्रोलाइट के आयंस से हम सोडियम क्लोराइड को लेकर एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो जो इसका पॉजिटिव आयन है अंडरस्टूड है, क्योंकि कैथोड इलेक्ट्रॉनिकली रिच है, कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है. तो जिसका पॉजिटिव आयन है वो कैथोड पे जाके इलेक्ट्रॉन गेन करेगा टू फॉर्म सोडियम. और जो इसका नेगेटिव आयन है सोडियम क्लोराइड का या इलेक्ट्रोलाइट का, वो जाएगा एनोड की तरफ. बिकॉज इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एनोड, इट इज इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट. तो नेगेटिव आयन विल मूव टूवर्ड्स द एनोड. एनोड पे जाके वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और खुद क्या हो जाएगा, न्यूट्रल. ठीक है, दिस न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स इज कॉल्ड एज प्राइमरी चेंज और प्राइमरी प्रोसेस. द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी चेंज, प्राइमरी प्रोसेस की जो प्रोडक्ट है, इफ इट इज अनस्टेबल इट मे अंडरगो फर्दर चेंज एंड दैट वी कॉल एज सेकेंडरी चेंज. जैसे इस केस में क्लोरीन एटम्स आर अनस्टेबल, दे विल अंडरगो सेकेंडरी चेंज. टू क्लोरीन एटम्स विल कंबाइन टू फॉर्म क्लोरीन मॉलिक्यूल. ठीक है बच्चे, एक और एग्जांपल मैंने यहां पे इलुस्ट्रेट की है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की. वाटर इटसेल्फ इज अ वेरी पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इसको गुड कंडक्टर बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा क्या डाल देते हैं, H2SO4. ठीक है, फिर इसकी इलेक्ट्रोलिसिस कैरी आउट करते. जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कैरी आउट करेंगे व्हाट विल हैपन, वाटर फर्स्ट आयनाइज होके क्या देगा, एच पॉजिटिव एच नेगेटिव. रिवर्सिबल एरो इसलिए है बिकॉज इट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो इसका आयोनाइजेशन बड़ा कम होगा. H2SO4 में सिंगल एरो डाला है हमने, इट इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इट विल गिव एच पॉजिटिव एंड SO4 टू नेगेटिव आयन. कैथोड की तरफ कौन जाएगा, कैथोड पे कोई कंपटीशन नहीं, एच पॉजिटिव ही जाएगा. इधर भी एच पॉजिटिव, इधर भी एच पॉजिटिव, सो देर इज नो कंपटीशन बिटवीन वाटर एंड H2SO4. तो एच पॉजिटिव विल गो टू द कैथोड, गेन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर, फॉर्म हाइड्रोजन एटम, प्राइमरी चेंज. हाइड्रोजन एटम बीइंग अनस्टेबल कंबाइन टू फॉर्म हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दैट इज सेकेंडरी चेंज. अब आ जाती है एनोड की बच्चे. एनोड पे
OH नेगेटिव और सल्फेट नेगेटिव आयन का कंपटीशन है। OH नेगेटिव आयन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है दैट इज मोर देन सल्फेट, तो OH नेगेटिव विल बी ऑक्सीडाइज एज कंपेयर टू वॉट सल्फेट। तो OH नेगेटिव यहां पे इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, OH नेगेटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चे। सल्फेट का कुछ नहीं होगा, OH विल लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म OH न्यूट्रल प्लस इलेक्ट्रॉन। अब OH अनस्टेबल है, आपको पता है क्यों अनस्टेबल है, देखें ऑक्सीजन का एक बॉन्ड सेटिस्फाई हो रहा है, ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, तो OH डिकम्पोज हो जाएगा टू फॉर्म क्या बनाएगा बच्चे, ऑक्सीजन O2, इसके दो मॉलिक्यूल डिकम्पोज होंगे, दो के क्या चार मॉलिक्यूल डिकम्पोज होंगे OH के टू फॉर्म ऑक्सीजन प्लस वाटर, ऑक्सीजन प्लस वाटर, ठीक है। तो जो एनोड है उसमें फाइनल प्रोडक्ट क्या बनी, ऑक्सीजन, कैथोड पे फाइनल प्रोडक्ट क्या बनी बच्चे, हाइड्रोजन। सो ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर वी गेट हाइड्रोजन एट द कैथोड एंड ऑक्सीजन एट द एनोड। सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज कैरिड आउट। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग कलेक्ट करने के लिए हम इस टाइप का ऑपरेटर यूज कर सकते हैं ना, एड एनोड क्या प्रोड्यूस हुई, ऑक्सीजन, एड कैथोड क्या हुई, हाइड्रोजन, वी कैन कलेक्ट इट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, एसिमुलेटेड वाटर लिया हमने, ठीक है बच्चे। होप आपको ये समझ आया होगा, ये हमने यहां पे इसका रिएक्शन दिखाया जो हमने अभी आपको समझाया, एच पॉजिटिव, ठीक है, सिमिलरली एड एनोड OH नेगेटिव, OH नेगेटिव क्या माइनस इलेक्ट्रॉन लिखा है, बात वही है बच्चे, इस साइड लिखना तो माइनस, इस साइड लिखना तो ऐसे OH प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, उस साइड लिखना है तो OH नेगेटिव माइनस इलेक्ट्रॉन, OH अनस्टेबल है, वाटर प्लस ऑक्सीजन सेकेंडरी चेंज, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेकेंडरी चेंज, ठीक है बच्चे। सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस अकर्स एंड इट हैज बीन एक्सप्लेन टू यू एंड द सेल इन विच वी कैरी इट आउट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एक और चीज इंपॉर्टेंट मैं बताना भूल गया यहां पे आपको, हमने कहा था कि इलेक्ट्रोलिसिस जो होती है इसमें हम रेडॉक्स रिएक्शन करते हैं विच इज अदरवाइज नॉन स्पॉन्टेनियस, अपने आप तो नहीं ना हो रहा था बच्चे ये रिएक्शन, सोडियम पॉजिटिव को हमने इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इलेक्ट्रॉन गेन करवाया, क्लोरीन नेगेटिव को हमने इलेक्ट्रिसिटी की मदद से इलेक्ट्रॉन लूज करवाया, दिस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, दिस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो जो रेडॉक्स रिएक्शन इसमें हुआ दैट वॉज डन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, है ना, सो दिस इज ए केमिकल चेंज, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से हमने क्या करी बच्चे, केमिकल चेंज, हमने सोडियम क्लोराइड को केमिकली चेंज कर दिया इनटू व्हाट, सोडियम एंड क्लोरीन गैस, ठीक है। तो इसमें जो रेडॉक्स रिएक्शन था दैट वाज नॉन स्पॉन्टेनियस, वी फोर्स दिस रेडॉक्स रिएक्शन, हमने रेडॉक्स रिएक्शन को फोर्स किया बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है बच्चे, होप आपको ये समझ आया होगा।